अब फिर अगर आप देखोगे बेटे तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला नहीं है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने पड़ते हैं एक तरह से। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वहां से लेके आएंगे कॉस टू ए। तो कॉस टू ए होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। अगर इस वन को इस साइड लेके जाएं तो टू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा वन प्लस कॉस टू ए, और अगर इस कॉस इस टू को भी हटा दें तो फाइनली हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉस टू ए बाई टू। ये मेरे पास, तो अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। तो अगर आप ये सोच सकते हो तो फिर यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और फिर देखिए कि आप कुछ कर पाते हो या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, मैं थोड़ा सा यहाँ आपके लिए आसानी कर दूँ, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है सर। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है मैंने ऊपर, वन प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन टू। यस, तो आपके पास आएगा वन प्लस कॉस टू ए, ए यहाँ पे एक्स है बाई टू, फिर आएगा प्लस वन प्लस कॉस टू ए। सेकंड वाले में ए कितना है कोई बता सकता है? एक्स एक्स प्लस पाई बाई थ्री। बाई टू प्लस वन प्लस कॉस टू ए। थर्ड वाले में ए कितना है सर, थीटा जो है हमारा? एक्स माइनस पाई बाई थ्री। बस यही ध्यान रखना है आपको, सब में कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा अलग था वो अलग बात है। तो आपने उसे लिख लिया वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू, वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू, वन प्लस कॉस टू थीटा। अगर आप चेक करेंगे तो वन अपॉइंट टू सब में है, तो अगर वन अपॉइंट टू सब में है तो उसको एलसीएम ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो वन अपॉइंट टू ये बाहर आ गया। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि ये वन है ये वन है ये वन है और सारे के सारे प्लस में, तो वन 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 क्या हो जाएगा? थ्री। फिर हमारे पास रह जाएगा कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स प्लस, फिर हमारे पास रह जाएगा दिस ब्रैकेट, ये क्या है सर, कॉस टू, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर ले लेते हैं टू, टू एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री, और फिर हमारे पास है प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई 3। यस और नो, सबको कुछ समझ में आया? हाँ भाई, सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? अच्छा, अब मुझे लास्ट टू वाले में फॉर्मूला बताओ, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है लास्ट टू के लिए? cos a plus b plus cos a minus b, 2 cos x cos y, मतलब 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, वेरी गुड, साइन ने सही बताया। तो ये मेरे पास हो गया 1 by 2 और ये मेरे पास हो गया 3 और ये मेरे पास हो गया cos 2x और cos a plus b plus cos a minus b हमारे पास हो गया 2 cos a, a हो गया cos 2x and cos b, b हो गया 2 pi by 3, ऐसे ठीक है सर। अच्छा cos 2 pi by 3 क्या होता है? cos 2 pi by 3 होता है, pi होता है 180, 180 by 3 60, 62 जा 120, तो cos 120 क्या होता है? ठीक है, 90 plus 30, 90 plus 30 क्या होता है? 90 में change हो जाता है sin 30, quadrant second, sin 30 होता है half, yes or no? Yes sir.
तो cos 2pi by 3 minus 1 by 2 होता है, तो वैल्यू रखो सर जी, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 upon 2, 3 plus cos 2x plus 2 cos 2x into minus half, तो 2 से 2 cancel, तो cos 2x किसका हो गया ये यहाँ पे? माइनस और ये cos 2x किसका है? प्लस तो क्या कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यस सर। 1 upon 2 3 plus cos 2x minus cos 2x, तो cos 2x कैंसिल, फाइनल आंसर इज व्हाट? 3/2 ये हमें चाहिए था, अगर आप चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमें 3/2 ही चाहिए था। क्या चाहिए था? 3/2 ठीक है जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपका यहाँ माशाल्लाह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरा हो जाता है। अब एक टॉपिक नया बचता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसको इंशाल्लाह करें। असद, नजबी, मोहम्मद अयूब, रामिस, रुकैया और शाहीन, आप सब लोगों की आईडी बन चुकी है बेटे, ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाली है, आईडी से अपना लॉगिन कर लीजिए, नई मेल आईडी, उसी से अपनी गूगल क्लासरूम और उसी से गूगल मीट, उसी में ही अब हम सारी क्लासेस करेंगे इंशाल्लाह, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस उधर से ही होंगी। सर कर लिया लॉगिन, जिसको भी प्रॉब्लम हो उससे बात कर सकते हैं, अगर किसी क्लासमेट की आईडी नहीं बनी है तो मुझे बता दो।